अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। तो बग़ैर टाइम ज़ाया किए चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन ओवरलोडिंग, तो जैसा कि हमें पता है कि जब हम सी लैंग्वेज में कोई फंक्शन बनाते थे, तो जब किसी फंक्शन का एक नेम हम रख लेते थे तो दूसरा फंक्शन जो है हम सेम नेम से नहीं रख सकते थे। ठीक है, अब फंक्शन क्या था? एक ब्लॉक ऑफ कोड, जिसका जब हम एक नेम रख लेते थे बाद में हम उसका नेम सेम नहीं रख सकते थे। ये सी लैंग्वेज में था। अब जब सी प्लस प्लस लैंग्वेज आई तो इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव किया गया। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ये कहा गया कि हम सेम नेम के डिफरेंट फंक्शंस रख सकते हैं, एक ही नेम के डिफरेंट फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। फिर से बोलता चलूं कि सेम नेम के डिफरेंट फंक्शन हम बना सकते हैं, लेकिन उनके पैरामीटर जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए। इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया फंक्शन ओवरलोडिंग का, कि कुछ ऐसे फंक्शन जिनके नेम तो सेम हैं लेकिन पैरामीटर्स डिफरेंट है, दीज आर कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो चलिए इसको लफ्जी तौर पर पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर वन, फंक्शन ओवरलोडिंग इज अ फीचर इन सी प्लस प्लस वेयर टू आर मोर फंक्शन कैन हैव द सेम नेम बट डिफरेंट पैरामीटर्स। फंक्शन ओवरलोडिंग सी प्लस प्लस के अंदर एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा फंक्शंस जो हैं एक जैसा नेम रखते हैं लेकिन उनके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। नंबर टू, फंक्शन ओवरलोडिंग कैन बी कंसीडर्ड एज एन एग्जांपल ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म फीचर इन सी प्लस प्लस। तो फंक्शन ओवरलोडिंग जो है एक, हम समझ सकते हैं, एक एग्जांपल है पॉलीमॉर्फिज्म की। तो इस पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो इसके सिंटैक्स को अगर हम देख लें फंक्शन ओवरलोडिंग के, तो देखें एक वाइड पाक जो है ये एक फंक्शन का नेम है। इंट ए ये जो है इसका पैरामीटर है। इसी तरह सेकंड फंक्शन में आ जाएं, इंट पाक एंड फ्लोट ए, दोनों के पैरामीटर्स डिफरेंट हो गए, फंक्शन के नेम जो है वो सेम है, पाक और पाक, वाइड पाक इंट ए डबल बी, पैरामीटर्स तीनों के डिफरेंट हैं, फंक्शन का नेम सेम है। तो फंक्शन ओवरलोडिंग की डेफिनेशन ही यही है कि एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें फंक्शंस के नेम जो हैं वो सेम होंगे लेकिन उनके पैरामीटर्स जो हैं वो डिफरेंट होंगे, दीज आर कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। तो ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने बात की फंक्शन ओवरलोडिंग के बारे में। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड कमेंट बिलो दिस वीडियो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फोकस ग्रुप। अल्लाह हाफिज़।